बीते शुक्रवार देर रात रामपुर खुर्द पंचायत के मुसारी में चुनाव में मिली हार से बौखलाए प्रत्याशी और उनके समर्थकों और वहीं के मंडल टोला के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का मुख्य कारण उक्त प्रत्याशी के पक्ष में मतदान नहीं करने को लेकर बताया जा रहा है। एक पक्ष के लोगों ने ऑटो रिक्शा, किराना दुकान पर लाठी डंडे बरसाकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं घटना में जमकर पत्थरबाजी भी हुई। इस घटना में आधे दर्जन से अधिक लोग जख्मी हुए। वहीं इस घटना में कपिल मंडल की स्कूटी, गाड़ी व मोबाइल को भी तहस नहस कर दिया गया। कई के घर में घुसकर भी तोड़फोड़ किया गया। वहीं जीते प्रत्याशी विकास कुमार ने लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। गांव के एक महिला सुमिया देवी, छोटू मांझी, मटरिया मांझी को मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया है। सभी का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि चुनाव को लेकर वोट देने को लेकर मारपीट की घटना हुई है। लिखित आवेदन मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। मारपीट कनु घर घुसी घुसी मार लगे, घर घुसी के मार लगे, मार वे कल गए के यहाँ भाई इन्ना भोराव दवा लगे ले बाजार वाद इसकी दवा न नल जब वो कराऊं कल गए कि तो इन्ना कम रेपेटिंग मार लगे ले कनु दराय का बयान का कारण बाहर है कि हमरा वोट नहीं देना है तो इन्हें तो सब देना है वोट, इसीलिए कारण आरो कैसा कैसा होले डीजे आइलो छले जीती जाए डीजे आइलो छले सब मंडल इकली के देखै छले देखै छले डीजे ब्लॉक मैंठिनो सुनहै घुरा घुरा दल के हम सब अपनो अपनो घर चल लिए। बस हुन्नास कल के मंडल सबका मादर चो ओकरी मार बनी के चो दौ नहीं देबा लिए तो एक ठो बोली के लिया कि सब मंडलो कन्हा गा यहां बात छे बस हाइटा बतम बस सबका मारा लग गए के मारा लग गए मोजी समुचा टोलार मोजी और समुचा अथी का मार लगे मंडलो का मतलब वोट नहीं नो कर दे लई नै जितलन जे इसी के लिए मंडल का मार रही सब ने केकरा वोट नहीं देलो जे आइलन मार बोलन ना मुकेश मोजी मोजी नाम छके मुकेश मोजी हां वो डीजे बज रहा था ना डीजे बज रहा था तो उसने बोला कि चल मंडल का मां बहन को छेड़ेंगे और गाली गलौज करने लगा तो वही बोला कि सब मंडल ने क्या किया है तुम गाली क्यों दे रहे हो तुम लोग ने वोट नहीं दिया इसके लिए नहीं जीता कौन ने कौन 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 नाम बताइए वही वही मांझी मांझी टोला का नाम क्या है नाम बोलिए ना मकरू है मुकेश मांझी और टिंकू रिंकू पटना से आए कस्टम विभाग के अधिकारियों ने भागलपुर नगछिया मुख्य सड़क पथ से एक ट्रक को अपने कब्जे में लेकर घंटों पूरे ट्रक को बारीकी से खंगाला। दरअसल कस्टम विभाग के अधिकारियों को यह गुप्त सूचना मिली थी कि भागलपुर के नगछिया के रास्ते ट्रक से गोल्ड की स्मगलिंग की जा रही है, जिसको लेकर देर रात पटना के कस्टम विभाग की टीम भागलपुर पहुंची और स्थानीय टीम के द्वारा राजस्थान नंबर की एक ट्रक को नगछिया से पकड़ा गया और सभी अधिकारियों की मौजूदगी में ट्रक को खंगाला जा रहा है। अधिकारियों के द्वारा ट्रक के हर हिस्से की जाँच कर सोने की तलाश की जा रही है। इस मामले पर अभी कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कितने बजे माल खाली किए गाड़ी से? कल इसी टाइम पे खाली किया था। कहाँ किए? गुलाबबाग में माल खाली किए। गुलाबबाग फिर वापस कहाँ जा रहे थे? ये धुलिया जाता धान बनने। क्या गाड़ी में? धान बनने के लिए। अरे कहाँ जा रहे थे? दे दिया क्या बोला है ये आजमगढ़ पूरे प्रदेश में इन दिनों पंचायत चुनाव की सरगर्मी देखी जा रही है। आठवें चरण के मतगणना के बाद भागलपुर जिले की एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें जीत के बाद प्रत्याशी के समर्थक डीजे पर भोजपुरी अश्लील गानों पर थिरकते नजर आ रहे हैं। पंचायत चुनाव के साथ ही राज्य भर में शादी समारोह या अन्य समारोह में डीजे बजाना प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी सबौर प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 के विजयी प्रत्याशी जयप्रकाश मंडल के विजय जुलूस में जमकर डीजे बजाया गया। जिला परिषद जयप्रकाश मंडल के समर्थक डीजे पर बज रहे अश्लील गाने पर जमकर थिरकते नजर आए। उनका विजय जुलूस सबौर कृषि विश्वविद्यालय से निकलकर उनके घर तक पहुंचा। इस दौरान जयप्रकाश मंडल अपनी कार से लोगों का अभिवादन करते दिखे। भागलपुर की जिला निबंधन केंद्र में ओपन सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में इस वर्ष यूपीएससी में देश भर में सातवां स्थान लाने वाले प्रवीण कुमार व दसवां स्थान लाने वाले सत्यम गांधी ने शिरकत की। कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर डीडीसी प्रतिभा रानी, डीईओ संजय कुमार, डीटीओ फिरोज अख्तर व मुख्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
इसके बाद बारी बारी से दोनों आईएएस ने प्रसार में बैठे हजारों छात्र छात्राओं को अपनी सफलता की कहानी बताई। आईएएस प्रवीण कुमार ने कहा कि आसान कुछ नहीं है और बगैर मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। गलत रास्तों पर जाने वाले युवाओं के लिए संदेश है कि कुछ फैसला लेने से पहले सोचे और लोगों से बात करे, तभी कुछ करे, गलत रास्तों पर ना जाए। वहीं आईएएस सत्यम गांधी ने कहा कि भागलपुर आकर काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ के बच्चे काफी अनुशासित है। एक आईएएस बनने के लिए एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। यदि एग्जाम में इतने लोग बैठते हैं, यदि 700 सीट है तो आसान तो नहीं है। एग्जाम सिंपल है बट अगेन बहुत मेहनत करना है। मेहनत कीजिएगा तभी एग्जाम निकलेगा। मैं डिटेल तैयारी तो ऑलरेडी बता रखा हूँ बट एक बेसिक चीज था कि एग्जाम को बहुत अच्छे से समझना है और समझ के एग्ज़ाम को करेंगे तभी मैं क्या रिक्वायरमेंट है एक्चुअली में यूपीएससी का वो फुलफ़िल कर पाएंगे और जब फुलफ़िल करेंगे तो कैपेबल बन पाएंगे कि एग्ज़ाम निकाल सकें। उनके लिए यही संदेश होगा कि यदि आप इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मैच्योर्ड बनिए, डिसीज़न लेते वक्त 2-3 लोगों अच्छे लोगों का सलाह लीजिए बट अच्छे से समझिए कि क्यों डिसीज़न ले रहे हैं, किस वास्ते डिसीज़न ले रहे हैं। और इस तरीके से आप जब सोच समझ के डिसीज़न लीजिएगा तभी आप गलत राह पे नहीं चलिएगा। भागलपुर में मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये है कि मैं जब भी स्टूडेंट्स के पास जाता हूँ मुझे उनके अंदर होप्स एस्पिरेशंस दिखता है और मैं यही चीज़ हर एक जगह जाके कर रहा हूँ तो डेफिनेटली बहुत 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 अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार भागलपुर आ रहा हूँ यहाँ पे और बच्चे काफ़ी डिसिप्लिन लग रहे हैं, माहौल भी बाहर का काफ़ी अच्छा लग रहा है तो अच्छा एक्सपीरियंस है। आईएएस बनने के लिए एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, जीवन में डिसिप्लिन होना जरूरी है और कंसिस्टेंट होना जरूरी है, अपने लक्ष्य के प्रति क्लियर होना जरूरी है और ये सब रहे तो खुद ब खुद बाकी क्वालिटीज़ आ जाएंगे जिससे आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जी मेरा तो आइडियल कोई ऐसा नहीं है, मैं हर किसी से सीखता हूँ, इनफैक्ट मैं आपसे भी सीख सकता हूँ और बाकी जो टॉपर्स हैं उनसे भी सीख सकता हूँ, तो सभी चीज़ों से सीखना चाहिए। युवाओं के लिए यही संदेश रहेगा, अपने जीवन में अनुशासन लाएँ, कुछ करने का ठान लें तो उसको ज़रूर करें और कोई ना कोई स्किल और एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी ज़रूर करें साथ में साथ। ललमटिया पुलिस ने ओपी क्षेत्र के पासीटोला मोहल्ले में छापेमारी कर 16 लीटर देसी महुआ शराब बरामद किया है। वहीं एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कारोबारी के विरुद्ध उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई में जुट गई है। ललमटिया थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि पासीटोला मोहल्ले में अवैध देसी शराब निर्माण कर बिक्री की जा रही है। उसके आलोक में छापेमारी कर पासीटोला मोहल्ला निवासी कैलाश चौधरी उर्फ मुन्ना चौधरी के घर में छापेमारी कर 16 लीटर देसी महुआ शराब बरामद किया गया है। गिरफ्तार कारोबारी की पहचान दिलीप चौधरी के रूप में हुई है। वहीं कारोबारी पुलिस को देख भागने का प्रयास करने लगा, तभी पुलिस ने उसे धर दबोचा। गिरफ्तार कारोबारी की पहचान दिलीप चौधरी के रूप में हुई है। उक्त कारोबारी के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सुल्तानगंज प्रखंड परिसर में शनिवार को स्क्रूटनी के दौरान प्रत्याशियों की अत्यधिक भीड़ होने के कारण प्रत्याशियों में एक दूसरे से नोकझोंक हो गई। दरअसल 4 पंचायतों के वार्ड सदस्य पद की स्क्रूटनी हो रही थी जिसके कारण 4 पंचायतों के उम्मीदवार प्रखंड कार्यालय पहुंचे थे। नामांकन पत्र वैध होने के बाद हस्ताक्षर करने काउंटर पर महिला प्रत्याशी व पुरुष प्रत्याशी एक दूसरे के आमने सामने हो गए जिसके कारण दोनों में नोकझोंक हो गई। बताते चले शुक्रवार को 18 पंचायतों में 12 पंचायत की वार्ड सदस्य पद उम्मीदवार की स्क्रूटनी हुई थी जिसमें कमरगंज और महसी पंचायत के एक एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ था। वहीं शनिवार को 4 पंचायत के वार्ड सदस्यों और पंच पद के लिए स्क्रूटनी की गई जिसमें 7 उम्मीदवारों के कागजात में त्रुटि रहने के कारण नामांकन रद्द कर दिया गया। अंतिम चरण में 12 दिसंबर को सुल्तानगंज प्रखंड के 18 पंचायतों में मतदान होना है जिसमें विभिन्न पदों के लिए कुल 212 प्रत्याशी अब चुनाव मैदान में है। इन सभी प्रत्याशियों के भाग का फैसला मतदाता 12 दिसंबर को करेंगे। नशा मुक्त अभियान के तहत सुल्तानगंज प्रखंड के तिलकपुर गांव में लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में खेलकूद के प्रति जागरूकता फैलाने एवं पुलिस पब्लिक के बीच आपसी समन्वय को लेकर फैंसी वॉलीबॉल का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर गौरव कुमार ने वॉलीबॉल एवं कबड्डी टीम के विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस दौरान डीएसपी ने कहा कि युवा वर्ग आगे आएं और अपना कर्तव्य निभाते हुए लोगों को नशा न करने के लिए प्रेरित करें और बिहार को नशा मुक्त बनाने में मदद करें। नशे से लोगों का घर गृहस्थी में सुख शांति नहीं मिल रही है, वहीं राज्य सरकार बिहार को नशा मुक्त बनाना चाहती है। इसके लिए आज के युवाओं को आगे आने की जरूरत है जिससे बिहार को पूरी तरह नशा मुक्त बनाया जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत बिहार में युवाओं को कराटे, तलवारबाजी, रग्बी, कबड्डी सहित अन्य खेलों में रुचि रखनी चाहिए।
खेल के माध्यम से अपने शरीर को हर युवा स्वस्थ रख सकता है। इस मौके पर थाना अध्यक्ष लाल बहादुर सहित कई बुद्धिजीवी, खेल प्रेमी व खिलाड़ी मौजूद थे। भागलपुर के एक स्थानीय होटल में अखिल भारतीय पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी एसोसिएशन की ओर से प्रथम त्रिवार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में AIPNBOA के अध्यक्ष SK खजांची, सचिव दिलीप शाह, पटना जोन के जोनल मैनेजर संजय कांडपाल, सर्किल हेड सुधांशु घोष इत्यादि ने शिरकत की। कार्यक्रम में बैंकों की निजीकरण पर प्रकाश डाला गया। सचिव दिलीप शाह ने कहा कि हम लोग सरकार द्वारा बैंक विरोधी नीतियों पर चर्चा कर रहे हैं, साथ ही सरकार द्वारा बैंक को निजी हाथों में सौंपने को भी संगठन द्वारा पूर्ण रूप से विरोध किया जा रहा है। निजीकरण के विरोध में प्रोटेस्ट ड्राइव हम लोगों ने चलाया है। मुंबई से बस निकली है जो सभी शहरों में जाएगी और 30 नवंबर को हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं PNB के महाप्रबंधक संजय कांडपाल ने कहा कि जिस प्रकार से पंजाब नेशनल बैंक सशक्त बैंक के रूप में सेवा उपलब्ध करा रही है, इसमें बहुत दायित्व हमारे ऑफिसर के हैं। हमारा बैंक दुर्गम गांव में भी सेवाएं दे रहा है।